को बताऊंगा कि पैरालाइज या लकवा, जिसे हम गांव की भाषा में लकवा या फालिस बोलते हैं, ये होता कैसे है, इसके क्या लक्षण हैं, हम इसको कैसे पहचानेंगे और इसका इलाज क्या है। आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि इसको हम पहचानें कैसे। पहले तो जब आप पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट लकवा किसी पेशेंट को हो गया तो उसका किसी एक साइड राइट या लेफ्ट साइड का हाथ या हाथ पैर दोनों काम करना बंद कर देते हैं, ऐसा लगता है उसमें जान नहीं है, ये भी लकवा के लक्षण होते हैं, पैरालाइज का एक लक्षण होता है। और दूसरा लक्षण, कभी कभी पेशेंट को आंखों से दुधला दिखाई देने लगता है, उसे आंखों से दुधला दिखाई देने लगता है या तो दिखाई नहीं देता है, ये भी होता है लकवा का एक लक्षण। और कभी कभी पेशेंट को ऐसा होता है चक्कर आने लगते हैं, चक्कर आते हैं उसको भी लकवा का एक लक्षण बोलते हैं। और कभी कभी पेशेंट को फेशियल पाल्सी होता है, फेशियल पाल्सी मतलब ये जो अपना फेस है मुँह टेढ़ा हो जाएगा या तो फेस एक आधा फेस सुन्न हो जाएगा, ऐसा लगता है इस पर ऐसे चिमटी काटने के बाद ऐसे आपको आपको पता ही नहीं चलेगा उस फेस उस साइड में, ये भी एक लकवा का लक्षण होता है। अब आपको बताते हैं ये लकवा होता कैसे है। लकवा जो है उन पेशेंट में, उन मरीजों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनका ब्लड प्रेशर बीपी हाई रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर या बीपी हाई रहता है उन मरीज को ज़्यादा लकवा होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर बीपी आपका ज़्यादा रहता है तो आप इसे इग्नोर ना करें, बीपी की दवाई लिया डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि बीपी वाले पेशेंट में लकवा होने की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। तो लकवा दिखता कैसे है, इसकी जांच कैसे करा सकते हैं, इसको हम पहचानें कैसे, लकवा की जांच करने के लिए डॉक्टर कुछ जांचें कराते हैं जिसमें हम देखते हैं ये लकवा है या कैसा है क्या है। वो जैसे हो गया MRI की जांच हो गई या CT की जांच हो गई, डॉक्टर MRI में स्ट्रोक प्रोटोकॉल या CT में CT ब्रेन करा के देखते हैं कि ये लकवा होता कैसे है। ये MRI ब्रेन में जब डॉक्टर कराते हैं MRI ब्रेन, जैसे हमारा बीपी अगर हमारा ज़्यादा हाई हो गया, बीपी हाई होने के बाद हमारे ब्रेन में जो नसें होती हैं वो आर्टरी, जब आर्टरी में ब्लड जाती है वो आर्टरी ब्लड सप्लाई करना बंद कर देती है, कहीं ब्लॉक हो जाती है, जब आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो उसे बोलते हैं हम लकवा, जो कि MRI ब्रेन में दिखता है। अब आपको एक इमेज में दिखाएंगे, MRI ब्रेन का एक इमेज है डिफ्यूजन इमेज, ये MRI ब्रेन का डिफ्यूजन इमेज है, ये इमेज डिफ्यूजन इमेज है, इसमें देखो आपको लकवा दिखाता हूँ, ये आपको ये वाइट वाला पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाइट वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इन्फार्क्ट। हमारे ब्रेन का एक और सबसे बड़ा कार्य होता है, जो हमारा राइट वाला ब्रेन है, जो राइट साइड का ब्रेन होता है वो हमारे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो हमारा लेफ्ट वाला ब्रेन है वो हमारे राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर ये देखो ये इन्फार्क्ट आपको दिख रहा है, पेशेंट का बीपी हाई हुआ, यहाँ क्लोटिंग हो गया, ये क्लोट है, ये आर्टरी यहाँ से आर्टरी हो गई, ये आर्टरी यहाँ ब्लॉक हो गई, ये आर्टरी यहाँ ब्लॉक हो गई, तो उसको बोलते हैं इन्फार्क्ट, इसको बोलते हैं इन्फार्क्ट। ये राइट साइड में इन्फार्क्ट आ रहा है तो पेशेंट का लेफ्ट साइड का हाफ बॉडी काम करना बंद हो जाएगा, लेफ्ट साइड की बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, और बोलने में उसको जुबान भी लड़खड़ा सकती है, उसका बोलने में जुबान भी लड़खड़ा सकता है। ये है लकवा का शिकार, ये MRI में ऐसे ही देखा जा सकता है। देखो यहाँ पे चमक रहा है वाइट सा, तो ये क्लॉट है। कभी कभी हम NGO करके भी देखते हैं, जैसे इस इमेज में NGO करके भी देखते हैं, कभी कभी NGO करते हैं तो देखते हैं ये जो आर्टरी जा रही है, जो ऐसे आपको चमकती हुई दिख रही, ये सारी आर्टरी है हमारे ब्रेन की, ये सारी आर्टरी है, ये सारी आर्टरी हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ये सारी आर्टरी हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। इस आर्टरी को देखो, ये वाइट वाइट चमक रही, जब ये आर्टरी कहीं से ब्लॉक हो जाएगी, अगर ये इधर नहीं दिखी पूरी आर्टरी, यहाँ से लेके ऐसे नहीं दिखी, तो बड़ा इन्फार्क्ट रहेगा, तो ये आर्टरी कभी कभी ब्लॉक हो जाती है, NGO में दिखती नहीं, इसलिए स्ट्रोक प्रोटोकॉल में हम NGO और डिफ्यूजन लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये रहा हमारा इन्फार्क्ट, ये बीपी हाई होने की वजह से, ऐसे बीपी हाई होता है तो क्लॉटिंग आते हैं, ये इन्फार्क्ट। और इसका इलाज क्या है, इसका इलाज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसका इलाज कैसे हो, क्या ले सकते हैं और इसका इलाज क्या क्या है।